तो फिल्म में आप फर्क नहीं कर सकते कि फरहान है या मिल्खा सिंह है, लेकिन यहाँ आप फरहान से फर्क कर सकते हैं, आपका रूप अलग है। फरहान बहुत सारे रोल्स किए हैं आपने, हर तरह के एक्टर, रॉक स्टार, सिंगर, ये मिल्खा सिंह बनना कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस था? एक बहुत ही नया अनुभव था मेरे लिए एज एन एक्टर, और मतलब मगर एक ऐसा अनुभव जो शायद मुझे वापस मिले, एक ऐसा सुनहरा मौका, एक ऐसे इंसान पर एक फिल्म जो बन रही है जो इतने लेजेंडरी एक आइकॉन है इंडिया के, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं लोगों को अपने करियर्स में, तो मुझे मतलब अपनी चौथी या पांचवी फिल्म में ऐसा एक सुनहरा मौका मिला है। मतलब मैं सवाल नहीं पूछता कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, मगर रोज़ बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल राकेश, आपने कहा कि बचपन से आप देखते आए थे इनकी कहानी, और इसलिए आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था इस आइडिया के साथ आना, लेकिन फिर भी क्या क्या इसके पीछे है जो बाकी लोगों को नहीं पता है, कैसे आपने ये कहानी एक साथ समेटी, कैसे प्रजेंट की? ये क्या क्या इसके पीछे है ये तो आपको मतलब जब हम नहीं ये जब हम फिल्म देखेंगे तो और समझ में आएगा, पर हाँ इसके पीछे एक चीज़ है जो एक इंसान का एक जज्बा होता है, एक बोलते हैं जो स्पिरिट होती है एक अंदर की, एक आग जो है जो एक स्पोर्ट्समैन के पीछे किया या किसी के भी पीछे हो सकती है, और एक इंसान अपनी मुश्किलों के से भागता नहीं, उसके साथ दौड़ कैसे लगाता है, उनका सामना कैसे करता है। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें मिला के ये इस कहानी का एक रूप बनता है। एक जनरली हम जब फिल्में बनाते हैं और कहानियाँ बोलते हैं तो वो प्लॉट ड्रिवन होती हैं, ये एक कैरेक्टर ड्रिवन है कि एक शख्सियत को ले। ये पूछ रहे हैं कि ये एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फिल्म है, खेल की फिल्म है, लेकिन जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है मैंने देखा आप कहते हैं कि नहीं, खेल की नहीं, ये एक इंसान की कहानी है, उसके जज्बात की कहानी। जी हम सबके अंदर एक मिल्खा सिंह है, एक गृहिणी के अंदर भी है, एक स्कूल टीचर के अंदर भी है, मेरा मानना यह है, और एक स्टूडेंट के अंदर भी है, एक स्पोर्ट्समैन के अंदर भी है, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी जीनी कैसी चाहिए जी, और वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक इंसिडेंटली एक एथलीट हैं जो उनका जज्बा एक एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में निकला, जो मेरे को कहानी का जो मूल अट्रैक्शन थी वो ये था कि अगर हमें उनका 1% भी मिल जाए आज की तारीख में, जो आज की फैसिलिटीज़ हैं, तो हम गोल्ड मेडल्स के ढेर लगा लें, अगर वैसा जज्बे का 1% भी हम अपने अंदर ले लें, तो शायद इस फिल्म से आगे चल के 1000 मिल्खा सिंह। बिल्कुल, हम उम्मीद तो यही करेंगे, एक मिल्खा सिंह तो बन गया हमारे सामने। दौड़ दौड़ के आपने महसूस तो किया होगा कि जब कोई भी रन करता है तो उसको कैसा लगता है। फरहान, हमने सुना है कि आप शायद मिल्खा सिंह से ज़्यादा दौड़ गए हैं ये फिल्म बनाते हुए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनसे ज़्यादा नहीं दौड़ा हूँ, लेकिन ये मतलब बिल्कुल सही बात है। कल ही हमारी बात हो रही थी, मिल्खा जी के साथ थे हम, कि जब रेस में आप दौड़ते हो तो सचमुच उस वक्त और कुछ भी जो दुनिया में चल रहा है आपको कुछ मतलब अफेक्ट नहीं करता, कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका वो जो ट्रैक है और वो फिनिश लाइन, और उसमें एक मतलब एक मेडिटेटिव क्वालिटी भी है कि मतलब एक जो अपनापन जो कहते हैं एक पल के लिए आप सिर्फ उस पल में जी रहे हो और कुछ मायने नहीं रखता, तो बहुत ही एक एडिक्टिव सा एक फीलिंग भी है उसमें। और ये मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि जो राकेश अभी कह रहे थे, जस्ट टू ऐड टू दैट, कि एक ऐसा इंसान जो मतलब अपने देश के लिए जो चाहता था कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, मैं चाहूँगा कि हर देश में जहाँ मैं जाऊँ मेरा तिरंगा लहराए, उसके बदले में मुझे सिर्फ एक मेडल मिलने वाला है और मेरा नाम बनने वाला है, मगर उसके अलावा सिर्फ देश का नाम बनने वाला है जी, और उसके लिए मुझे मतलब 20 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़े, खून निकले मेरे मुंह से, मैं बेहोश हो जाऊं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मकसद मेरा है वो ये है कि इंडिया को गोल्ड जीतना चाहिए। तो ये जो एक जुनून है और ये जो एक पैशन है, वो अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये देखकर किसी के मन में ये जुनून आ जाए, ऐसे जुनून आए, तो मतलब क्या हो सकता है।